Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Zinkova tablet, tablet Zinkova. So friends, without wasting any more time, we should start the video. Friends, ये video ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है. इस video को देखने के बाद कोई भी medicine आप कतई self medication ना करें. Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. ये कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें. तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है Zinkova टैबलेट. फ्रेंड्स, Zinkova टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल लॉस ऑफ मेमोरी को ठीक करने के लिए किया जाता है. अगर किसी को मेमोरी ज़्यादा लॉस हो रहा है, ब्लॉकरपन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं. और खासकर ये जो मेडिसिन है न्यूरोफिजिशियन द्वारा एडवाइस किया जाता है, मतलब जो ब्रेन के डॉक्टर थे उनके द्वारा एडवाइस किया जाता है. फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि ये मेडिसिन क्या है, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है. चलिए जरा इसे समझ लेते हैं. डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ था कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं. फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी डिमेंटिया कैटेगरी से बिलोंग करता है. अब जाहिर सी बात है, मैंने स्टम का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी डिमेंटिया कैटेगरी. तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको. तो डियर व्यूअर्स, एंटी डिमेंटिया कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, कोई भी वैसा मेडिसिन जो डिमेंटिया के खिलाफ जाके काम करे, उसे हम लोग एंटी डिमेंटिया कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं. अब जरा समझ लेते हैं डिमेंटिया होता क्या है. फ्रेंड्स, बेसिकली डिमेंटिया होता है कि कोई बात को भूलने लगना, मतलब लॉस ऑफ मेमोरी. जब याददाश्त कमजोर होने लगे, कुछ भूलने लगे, तो उसी को हम लोग डिमेंटिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में. ठीक है, तो डिमेंटिया के खिलाफ जो जाके काम करेगा मेडिसिन, उसे एंटी डिमेंटिया कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं. जो मतलब समझे कि मेमोरी को बूस्ट करने का काम करेगा. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई. फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होता है, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे मोड ऑफ एक्शन, तब कैसे डोज होते हैं. इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से. फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे. फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर से. तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है. तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को ना माइक्रो लैब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है. फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय माइक्रो लैब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में ना 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 215 रुपये के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है. फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लो कि प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है. तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है. फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन. कि बेसिकली ये Zinkova जो देखते हैं आप टैबलेट, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है. तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, Zinkova 40 मिलीग्राम पाया जाता है जिसका इस्तेमाल मेमोरी को बूस्ट करने के लिए किया जाता है. मतलब ये जो मेडिसिन देखते हैं इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल कौन सा पाया जाता है, Zinkova पाया जाता है. और Zinkova जो होता है एक तरह का प्लांट होता है जो कि चाइना में पाया जाता है, और उस प्लांट के जो ड्राइड लीव्स होते हैं, सूखे हुए पत्ते होते हैं, उससे इसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल Zinkova 40 मिलीग्राम पाया जाता है जिसका इस्तेमाल मेमोरी को बूस्ट करने के लिए किया जाता है. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए. फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है. फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन. इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो फ्रेंड्स, नंबर वन यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. कि अगर कोई व्यक्ति है, मेल है या फीमेल, इट डजेंट मैटर, अगर मेंटल डिसऑर्डर, कहीं ना कहीं मैनिया का पेशेंट है, सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, मेमोरी लॉस, मतलब ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है उसको, ठीक है, तो उसको ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं. फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिमेंटिया, डिमेंटिया कहने का अर्थ होता है लॉस ऑफ मेमोरी. अगर कोई व्यक्ति है उसका मेमोरी लॉस हो रहा है, ठीक है, डिजेनरेट हो रहा है, सही से याद नहीं रख पा रहा, फॉरगेटफुलनेस हो रहा है,
तो उसको भी ठीक है डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। आप डिमेंडिया कहो या लॉसअप मेमोरी कहो, ठीक है। पर ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज में भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेसिकली पार्किंसन डिजीज में होता क्या है, इंसान का मेमोरी भी लॉस होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो सही प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाता है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमनिया, कि अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से नींद नहीं आ रहा, रात रात पर उल्लू की तरह जाग रहा, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन, कि अगर किसी व्यक्ति को दर्द है, सूजन है, ठीक है, पेन एंड इन्फ्लामेशन है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वर्टिगो या डिजीनेस, कि अगर किसी व्यक्ति को वर्टिगो है, डिजीनेस है, चक्कर आ रहा है बार बार, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टिनिटस, टेंटस क्या होता है कि कान में हमेशा लगता है कुछ ना कुछ रिंगिंग हो रही है, बज रही है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं हम, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमेनिया, ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन, ट्रीटमेंट ऑफ वर्टिगो एंड डिजीनेस, फिर ट्रीटमेंट ऑफ टेंटस, और जो सबसे मेन इसका इस्तेमाल होता है वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ डिमेंटिया, मतलब लॉस ऑफ मेमोरी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स ये अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर वन कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, की अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में है तो बिना गायनी डॉक्टर से कंसल्ट के आप इस मेडिसिन को न दें। फिर तो ब्रेस्ट फ्री मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान करता है, उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, अगर किसी को हार्ट की डिजीज हो, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो रखा हो पहले से हिस्ट्री में, ठीक है, उसको भी आपको नहीं देना। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे कंट्राइंडिकेशन, इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे सब मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो डियर बॉयज मैं कोशिश करूँगा एकदम सिंपली समझा दूँ कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। दिस मेडिसिन एक्टिवेट्स द सेरेब्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये क्या करता है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसका जो सेरेब्रल पार्ट होता है उसको क्या एक्टिवेट करता है ताकि ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर सके, और साथ ही साथ इट वर्क्स हाइपोक्सिक एरिया ऑफ ब्रेन, ये क्या करता है कि जो हाइपोक्सिक एरिया है जो ब्रेन पे ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर ढंग से नहीं पहुंच पाता वहां पे पहुंचता है, विच इंक्रीजेज मेमोरी, जो क्या करता है कि जो मेमोरी को बूस्ट करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है, मतलब याददाश्त को मजबूत बनाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, पहला ये क्या करेगा एक्टिवेट करेगा सेरेब्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो सेरेब्रल पार्ट होता है, ठीक है, उसको एक्टिवेट करेगा। दूसरा इसमें क्या करेगा, ये हाइपोक्सिक एरिया है ना उस पर जाके काम करेगा, क्या हाइपोक्सिक जहाँ पे ब्रेन में क्या ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा पाती है वहां पे काम करेगा, और वो जो ब्रेन पर जैसे ही जाके काम करेगा, ठीक है, हाइपोक्सिक एरिया पे वे क्या इन मेमोरी को इंक्रीज करना चालू कर देगा। तो कुछ इस तरीके से इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक, उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर वन है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर पाल्पिटेशन, हो सके आप थोड़ा बहुत घबराहट वगैरह भी हो जाए पाल्पिटेशन, ठीक है, पाल्पिटेशन। फिर डिजीनेस, हो सके कभी कभी आपको चक्कर भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है, इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके लिए डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को एडवाइस करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीज़ों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताने जा रहा हूँ, जिनकी उम्र 18 प्लस उनके लिए बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स 1 × BD पोस्टिबोस, एक गोली रोज दिया जा सकता है सुबह शाम खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि जिंकोवा टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी मत करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग हुई हूँ। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेंटर फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू।
धन्यवाद।